हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत सनाज, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर जो भी वर्तमान में चल रहा है, कोरोना वायरस की। दोस्तों, चारों तरफ आर्थिक निराशा, चारों तरफ डर, तनाव और चारों तरफ डिप्रेशन का माहौल है। हर तरफ लोगों के मन में यही है कि कोरोना वायरस कब जाएगा। कोरोना वायरस का लोगों में डर नहीं है, डर लोगों में आर्थिक तनाव का डर आ गया है, आर्थिक असक्षमता का तनाव आ गया है। आज ये लोग ये सोच रहे हैं कि हम कैसे अपनी स्थिति को पार पाएंगे। आज स्थिति बहुत विकट हो गई है। आज लोग बीमारी से नहीं डर रहे, आज लोग अपने कैसे अपना जीवन यापन करेंगे उससे डर रहे हैं। दोस्तों, आज जिसको पूछो चारों तरफ भयावह माहौल है, चारों तरफ निराशा छाई हुई है, चारों तरफ डर छाया हुआ है, चारों तरफ तनाव, एक मानसिक तनाव लोगों के बीच में आया हुआ। लोग यही सोच रहे कि आखिर इसको कैसे पार कर पाएगा, कैसे अच्छे दिन आएंगे, कैसे ये कोरोना जाएगा, कैसे वापस वही पुराने दिन आएंगे। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे अपने आप को इस स्थिति से मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत लाए, कैसे अपने आप को स्ट्रोंग करें कि इस स्थिति में पार पाएंगे, कैसे अपने आप को मजबूत करें। आज देख ले, मध्यम वर्ग देख ले, व्यापारी देख ले, आप स्टूडेंट को देख ले, हर तरफ तनाव है, हर तरफ निराशा है, हर तरफ सोच रहे लोग कि हमें कैसे क्या करेंगे। आज एक व्यापारी को अपनी एक ईएमआई की टेंशन है, घर की ईएमआई की टेंशन है, कार की ईएमआई की टेंशन है, दुकान का किराया भरने की टेंशन है और अपना घर खर्च चलाने की टेंशन है। हर तरह से वो टेंशन ही टेंशन में डूबे हुए हैं। क्या करेंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, कैसे अच्छे दिन आएंगे, हम कैसे इस सिचुएशन से पार पाएंगे। आज मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। दोस्तों, आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उस स्थिति से कई बार किसान भी गुजर चुका होता है। किसान एक फसल बोता है, 6 महीने के लिए बोता है, लेकिन उस 6 महीने के अंदर कभी अतिवृष्टि हो जाती है, किसी साल ओलावृष्टि हो जाती है, कभी अकाल पड़ जाता है, फिर भी वो निराश नहीं होता है। दोस्तों, फिर भी वो अपने काम के प्रति सजग रहता है, फिर वो अगले साल वापस अपने काम में जुट जाता है। दोस्तों, वो इसका दोष किसको देता है? प्रकृति को देता है। प्रकृति मेरे साथ नहीं थी, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कर्म तो मेरे साथ हैं। मैं कर्म तो करता रहूंगा तो मुझे एक न एक सफलता जरूर मिलेगी। वो जब इस ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से जब हार जाता है ना, तो क्या करता है? वो खेती करना थोड़े छोड़ता है, वो खेती करता रहता है दोस्तों, और वो इसी आस के साथ कि अगले साल कुछ अच्छा होगा। तो यही चीज अपने जीवन में अपनाइए ना दोस्तों। आज ये दिन है, आज ये दिन गुजर जाते हैं, गुजर जाएंगे। आज अंधेरा होता है तो क्या दोस्तों सवेरा नहीं होगा? आज ये कोरोना वायरस का ये माहौल, ये डर है, क्या वापस अच्छे दिन नहीं आएंगे? आएंगे दोस्तों, बस इसी आस और इसी सकारात्मक सोच और इसी उत्साह के साथ जिए। आज ये मुश्किल के दिन है, वो भी गुजर जाएंगे सर। इसलिए टेंशन न लें और अपने काम करते रहें, सकारात्मक भावना अपने अंदर लाएं। अभी एक पिछले दिनों अभी मुंबई में लॉकडाउन लगा था, तो मेरे एक मित्र का मेरे पास फोन आया कि सर, मेरे एक मित्र हैं, वो बहुत ही मतलब हर तरह से डिप्रेशन से जुड़ गए हैं, चारों तरफ डर तनाव निराशा की बात करते हैं, उनके परिवार वाले भी उनसे परेशान हैं और वो अकेले अकेले रहते हैं और चारों तरफ से वो डिप्रेशन में हो चुके। तो मैंने उनको कहा कि अच्छे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए और उनसे बात करिए। जब उनके मिसेज उनको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाती है और उनसे जब उनका सारा सब कुछ पूछता है, तो वो व्यापारी उनको बताता है कि सर, चारों तरफ कोरोना है, डर तनाव का माहौल है, मेरे बच्चों के स्कूल की फीस है, मेरी कार की ईएमआई है, मेरे घर की ईएमआई है, चारों तरफ मैं कैसे भरूंगा? आज मुझे एक आर्थिक निराशा और डर तनाव मेरे मन में आ रहा है, मैं कैसे ये सब करूंगा? तो वो साइकोलॉजिस्ट उनको कहते हैं, आप ऐसा करो, आपके पुराने दोस्त जितने भी हैं, वो कहते हैं बिल्कुल है, उन सबको फोन लगाओ कि इस सिचुएशन में वो क्या कर रहे हैं, वो क्या इस सिचुएशन में खुश हैं, कि या वो इस सिचुएशन में कैसे मेंटेन कर रहे हैं। वो बारी बारी सबको फोन, कम तकरीबन 10 या 15 जनों को फोन लगाते हैं, अपने दोस्तों को, जिसमें कोई व्यापारी होते हैं, कोई कुछ मध्यम वर्ग होते हैं, कोई जॉब कर रहे होते हैं, कुछ बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। 90% लोग उसी समस्या से जुड़े हुए जिस समस्या से वो व्यापारी जुड़ा था, जो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। सभी उनसे ये कहते हैं, अरे यार माहौल अच्छा नहीं चल रहा है, अरे यार व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, अरे यार
धंधा नहीं हो रहा, अरे यार नौकरी बार बार डिस्टर्बेंस होती है, हर तरफ यही बातें आती है, तो उसको लगता है यार कि मैं इस दुनिया में अकेला नहीं हूं, सभी परेशान है इस कोरोना वायरस से, मैं अकेला एक इंसान नहीं हूं। अरे यार ये तो एक प्रकृति की देन है, ये तो प्रकृति का प्रकोप है, प्रकृति के प्रकोप से आज आप क्या, पूरा विश्व इससे जुड़ा हुआ है, पूरा विश्व इससे परेशान है दोस्तों। तो आप अपने आप को अकेला महसूस क्यों करते हैं दोस्तों? क्या ये समस्या, क्या ये विपदा आपके अकेले के ऊपर आई है? नहीं, पूरे विश्व के ऊपर आएगी, पूरे विश्व के ऊपर आई हुई। आप अपने आप को अकेला क्यों समझते हैं? अगर अर्थव्यवस्था डाउन होगी तो पूरे विश्व की होगी, अगर किसी की जॉब जाएगी या किसी को कुछ भी धंधा नहीं चलेगा तो सबका साथ में होगा ना, आप अकेले ही अपने आप को उसको क्यों महसूस कर रहे हैं? तो उस फील्ड में न जाए, उस वे में न जाए, अपने आप को मजबूत रखे, अपने आप को मानसिक मजबूत रखे कि कैसे हम इस स्थिति से पार पाए जाए। ये विपदा के विपत्ति के दिन है दोस्तों, आज नहीं तो कल चले जाएंगे, वापस वही माहौल, वापस वही उत्साह, वापस वही खुशियां आएगी दोस्तों। क्या बुरे दिन हमेशा के लिए रहते हैं? नहीं रहते हैं। जब इन पास्ट आपने इंडिया में जब प्लेग आया था तब क्या होता, चारों तरफ हाहाकार मचा था, तो वो क्या सदैव सनातन के लिए रहा था? नहीं रहा था, वो भी गया था, और फिर वापस नई खुशियां, नई उत्साह, नई उमंग आई थी दोस्तों। तो आप अपने आप को मजबूत करें। मैं आपको तीन चार कुछ ऐसे पॉइंट बताता हूँ कि कैसे अपने आप को मजबूत रखा जाए। सबसे पहले धैर्य रखें, नंबर वन धैर्य रखें, आज ये सिचुएशन कल गुजर जाएगी, अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत करें, समय निकल जाएगा। दूसरा, अपनी भावनाओं को जाहिर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के साथ बैठे, और जो ये प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है उनसे शेयर करें, और सभी मिलके अपने परिवार वाले और सभी आप मिलके और एक योजना बनाएं कि कैसे भविष्य में हम इस समस्या से लड़ेंगे, आज जो प्रॉब्लम हम फेस करेंगे कैसे भविष्य में हम दूर करेंगे। तो जब ये बात अपने परिवार और अपने दोस्तों, अपने पत्नी, अपने माता पिता को आप बताते हो ना, आपका मन हल्का होता है दोस्तों, आप अपने अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस करते हैं। इसलिए अकेला ना रहे, अपनी भावनाएं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने माँ बाप को बताते रहे। तीसरी बात, नेगेटिव खबरें ना सुने दोस्तों। आज आप टीवी चालू करोगे, किसी दोस्त से बात करोगे, किसी से कुछ भी बात करोगे, हर तरफ नेगेटिव बात आएगी, हर तरफ आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव खबर नहीं आएगी। आप न्यूज़ चैनल उठा कर देख लो, आज कोरोना के इतने केस आ रहे हैं, इतने केस, इतने लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है। आप ये न्यूज़ मत देखिए दोस्तों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने आप को स्ट्रांग बताइए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए कि अच्छे दिन आएंगे, यही है। दूसरा पॉइंट है, प्रकृति का किसी के ऊपर नियंत्रण नहीं है दोस्तों। क्या ये कोरोना वायरस आपकी वजह से आया है? क्या आपके कर्मों की वजह से आया है? ये नहीं, ये प्रकृति की देन है जो सबके ऊपर आया है, इसमें आप अकेले नहीं हो, सबके ऊपर है, सबके ऊपर विपदाई है। तो आप इसमें यूं क्यों सोचते हो सर ये सिर्फ मेरे ऊपर आया है और मैं ही इस विपदा हूं, और आप इसको डर रहे हो, आप इसके तनाव में, पूरा विश्व तनाव है। तो आप अपने आप को अकेला ना समझे, आप ये समझे कि मेरे साथ सब हैं, और उस स्थिति से मजबूत होइए कि यार नहीं यार, आज बुरे दिन है तो अच्छे दिन आएंगे दोस्त। इसलिए दोस्तों इस माहौल में घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मस्त रहें, और यह ना सोचे कि आप इस अकेले, इस सिचुएशन में आप अकेले हैं। इसी के साथ आ जाइए दोस्तों, देखते रहिए मेरे वीडियो। नमस्कार।